हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मजमोर में। आजकल हम चॉपिंग बोर्ड रोज़ यूज़ करते हैं किचन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपिंग के लिए, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वुडन चॉपिंग बोर्ड्स। बट क्या आपको पता है कि यूज़ के साथ ये इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कितने सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया इनके ऊपर जमा हो जाते हैं, जो विजिबल तो नहीं होते हैं बट होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे इन चॉपिंग बोर्ड्स को रेगुलरली क्लीन रख सकते हैं, एकदम बेसिक चीज़ें जो घर पर अवेलेबल हैं उन्हें ही यूज़ करके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मेरा वुडन चॉपिंग बोर्ड, ये दूसरा भी वुडन है, और ये तीसरा है बैम्बू चॉपिंग बोर्ड। ये सारे चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ये बैम्बू वाला यूज़ हुआ है, और आप देख सकते हैं इस पर निशान हो गए हैं और बीच का हिस्सा तो पूरा एकदम उड़ सा गया है। बैक साइड में कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि ये साइड यूज़ ही नहीं हुई है, पर हाँ थोड़ी सी गंदी हो गई है। साथ ही यूज़ के बाद इस पर लग जाते हैं बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया जो हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट है ये वुडन चॉपिंग बोर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, तो इसमें स्क्रैचेस आप एक ही हिस्से में अभी देख रहे हैं, और बैक साइड पर इसका कुछ जगह पर रंग उड़ सा गया है, मतलब फेड हो गया है। नेक्स्ट है ये वाला चॉपिंग बोर्ड, ये पहले वाले से ऑलरेडी लाइट शेड में ही है, ये ज़्यादा चॉपिंग के लिए यूज़ नहीं हुआ है। स्टेनलेस स्टील के चॉपिंग बोर्ड्स भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, स्पेशली अगर आपको कुछ मीट या नॉनवेज हैंडल करना है, चीज़ें जैसे कि बीट रूट, इनके लिए भी अच्छे होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लीनिंग कैसे करनी है। सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ मेरा चॉपिंग बोर्ड, जो कि है बैम्बू चॉपिंग बोर्ड्स। ये भी आजकल काफ़ी पॉपुलर है। तो सबसे पहले आप डालें नमक। नमक घर पर आसानी से अवेलेबल होता है, तो नमक से ही हम सफाई करने वाले हैं, और हमें चाहिए आधा नींबू। तो नींबू आप रस निकला हुआ ना लें, अगर रस के साथ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो नींबू का रस पहले निचोड़ लें और उसके बाद अच्छे से स्क्रब करें। अगर आपका चॉपिंग बोर्ड बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है तो आप नमक के साथ साथ बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, पर अदरवाइज नमक भी काफ़ी अच्छा काम कर जाता है अगर आप रेगुलरली अपने चॉपिंग बोर्ड्स क्लीन करते हैं। अगर चॉपिंग बोर्ड ज़्यादा गंदा है तो पहली बार में आप ऐसा कर सकते हैं कि सोडा भी यूज़ कर लें, और नेक्स्ट टाइम से रेगुलरली क्लीन करें अपने चॉपिंग बोर्ड को, और फिर नमक ही आप यूज़ करें। तो अच्छे से स्क्रब कर लें पूरे चॉपिंग बोर्ड को। चॉपिंग बोर्ड में अगर इस तरह के ग्रूव्स हैं चारों तरफ, तो उसे भी अच्छे से स्क्रब कर लें ताकि जितनी भी इसमें बैक्टीरिया है, गंदगी है, वो सारी निकल जाए। लकड़ी या फिर बैम्बू के चॉपिंग बोर्ड्स एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को और काफ़ी सारी चीज़ों को, इसलिए इन्हें घिस घिस के क्लीन करना ज़रूरी है, और इसी वजह से आप नॉर्मल बर्तन वाले लिक्विड और स्क्रब से इन्हें वॉश ना करें। तो अच्छे से पूरी तरह से स्क्रबिंग कर लें। स्क्रब करने के बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लें। अब इस समय आपको कोई भी बर्तन का लिक्विड या फिर स्क्रब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा इस समय भी स्क्रब करना है, तो ऐसा स्क्रब यूज़ करें जो आपने बर्तनों वाले लिक्विड के साथ किसी भी बर्तन पर यूज़ नहीं किया हो, यानी नया कोरा आप स्क्रब यूज़ करें और इसी चीज़ के लिए रख दें। अब अच्छे से एक कॉटन के कपड़े से अपने चॉपिंग बोर्ड को पोंछ लें। पोंछने के बाद इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, तो अच्छे से ड्राई करें और उसके बाद अपने चॉपिंग बोर्ड को कुछ समय तक कहीं पर टिका दें ताकि ये पूरी तरह से सूख जाए। ये काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है, लेकिन ड्राई होने के बाद इसका कलर थोड़ा सा फेड होगा। वेल, और एक चीज़ कि अगर आपका चॉपिंग बोर्ड बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो उसे लेमन और नमक से घिसने से पहले आप सैंड कर लें। यहाँ पर मेरे पास दो तरह के सैंड पेपर्स हैं, एक है 150 नंबर का जो ब्लैक वाला है, दूसरा है 220 नंबर का। 150 वाला ये जो सैंड पेपर है ये कोर्स है, यानी मोटा है, तो पहले आप मोटे वाले से सैंडिंग करें, और स्पेशली उन हिस्सों में जहाँ पर आपको कुछ ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा ही गंदा नज़र आ रहा है, उस हिस्से को आप अच्छे से स्क्रब कर लें। अब आपका बैम्बू वाला चॉपिंग बोर्ड हो या फिर वुडन, आप दोनों पर ही ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी पाउडर से निकल गई है, इसे एक सूखे कपड़े से आप हटा दें। सरफेस को और ज़्यादा स्मूथ एंड फाइन करने के लिए आप दूसरा वाला सैंड पेपर यूज़ करें, यह है एकदम फाइन वाला, 220 नंबर का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो हल्के हाथ से इससे भी सैंडिंग कर लें ताकि चॉपिंग बोर्ड का सरफेस अच्छे से स्मूथ हो जाए। इसे भी आप अच्छे से एक कपड़े से पोंछ लें। तो सैंडिंग आपको ज़रूरी नहीं है कि करनी ही हो, पर सैंडिंग अगर कर रहे हैं तो नींबू और नमक से घिसने से पहले आप सैंडिंग कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले मैंने सैंडिंग की है और उसके बाद लेमन एंड नमक से मैं इसे स्क्रब कर रही हूँ। बट सैंडिंग नहीं करनी है तो आप सीधा यही स्टेप कर सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो के पहले हिस्से में दिखाया था।
तो लेमन से अच्छे से स्क्रब करने के बाद अपने चॉपिंग बोर्ड को वॉश कर लें और वॉश करने के बाद इसे पोंछें और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दें। मौसम कैसा है इस हिसाब से आपके चॉपिंग बोर्ड को पूरी तरह ड्राई होने में कम ज़्यादा समय लग सकता है। ये कोई किशमिश या दाल नहीं है जो अंदर तक भीग जाएगी, ऊपर ऊपर के सरफेस पर ही पानी होगा तो आधे एक घंटे में ही सूख जाना चाहिए। इसके बाद इसकी सीजनिंग के लिए हमें इस पर लगाना है तेल। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं नारियल का तेल। नारियल का तेल आसानी से मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का, एडिबल क्वालिटी का। पैराशूट पे अगर आप देखेंगे तो ये भी लिखा होता है कि वो भी एडिबल है। तो आप एकदम सेफली कोकोनट का ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से तेल को पूरे चॉपिंग बोर्ड पर लगा दें। बैक साइड पर लगाना चाहते हैं तो ऊपर का होने के बाद आप बैक साइड पर लगाएं। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास है लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड। तो ये बैम्बू नहीं है, ये प्योर लकड़ी यानी वुड का चॉपिंग बोर्ड है। तो फर्स्ट स्टेप है सैंडिंग, पर यहाँ पर मैं सैंडिंग स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो ये चॉपिंग बोर्ड है बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस वाला नहीं है, इसलिए इस पर मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ नमक और इसे स्क्रब करने वाली हूँ नींबू से। तो पूरी तरह से चॉपिंग बोर्ड को आप स्क्रब कर लें, ऊपर की तरफ, बैक साइड पर भी और साइड से भी, और चॉपिंग बोर्ड के चारों तरफ जो ग्रूव्स बने हुए हैं उसे भी अच्छे से आप स्क्रब कर लें। स्क्रबिंग के बाद इसे वॉश करना है जैसे पहले चॉपिंग बोर्ड को किया था। नॉर्मल पानी से ही मैं इसे अच्छे से धो रही हूँ। धोने के बाद इसे पोंछे और पोंछकर थोड़ी देर के लिए सुखा दें, जब तक कि इसके ऊपर का जो पानी है, मॉइस्चर है, वो ना उड़ जाए, ये ड्राई ना हो जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक अच्छे कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ लें। टिश्यू पेपर या सिमिलर चीज़ें आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा सूती कपड़ा यूज़ करें और आराम से इसे पोंछ दें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं है, मैंने इस चॉपिंग बोर्ड को बहुत यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने इसकी सैंडिंग नहीं की है। मैं यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं नारियल का तेल। अच्छा सा कोई भी आप नारियल का तेल ले लें, कोई भी, मतलब किसी भी ब्रांड का, और फिर अपने चॉपिंग बोर्ड पर लगाएं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि मैं कितना ज़्यादा तेल डाल रही हूँ, पर जो लकड़ी है वो तेल पी जाती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। तो अच्छे से तेल लगाएं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर रह भी जाता है तो बाद में आप उसे पोंछ सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड की सफाई के बाद उसके ऊपर तेल लगाना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये लकड़ी को कंडीशन करता है, उसकी लाइफ बढ़ाता है, और विजुअली भी अगर आप देखेंगे तो तेल लगाने के बाद चॉपिंग बोर्ड का रंग काफ़ी अच्छा हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा नए जैसा लगने लगता है। तो बस इसे मैं थोड़ी देर रख दूंगी जब तक कि लकड़ी अच्छे से इस तेल को एब्जॉर्ब ना कर ले। लगभग आधे एक घंटे भी आप रख सकते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा तेल रह जाए तो आप उसे पोंछ दें। अब चॉपिंग बोर्ड्स को अपने स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ एक चॉपिंग बोर्ड का स्टैंड। इससे भी एक फ़ायदा है कि आपका जो चॉपिंग बोर्ड है इस पोजीशन में रहता है, एक्स्ट्रा पानी इसमें से ड्रिप हो जाएगा और चॉपिंग बोर्ड यूज़ के बाद इस तरह से अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उस पर फंगस भी नहीं लगेगा। साथ ही में इस तरह ये ऑर्गेनाइजर स्पेस भी सेव करते हैं। मैंने रीसेंट वाले वीडियो में ये आपको दिखाया था और ये मेरा करंट फेवरेट है ऑर्गेनाइजर फॉर चॉपिंग बोर्ड्स। ये है बैम्बू वाला चॉपिंग बोर्ड, ये भी काफ़ी नए जैसा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा हद तक ये क्लीन हो गया है। बीच में एक जो बड़ा सा सफ़ेद पैच इस पर बन गया था वो भी चला गया है। और इसी तरह से मैंने अपना तीसरा बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड भी क्लीन किया है जो था टेरेस किचन में यूज़ होता है। अब क्विकली देख लेते हैं स्टील का ये चॉपिंग बोर्ड। इसके लिए एक्चुअली वीडियो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ये टॉपिक है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। इसमें आपको कुछ अलग या नया नहीं करना है। जैसे आप अपने बर्तन धोते हैं नॉर्मल स्क्रब और लिक्विड से, वैसे ही आप स्टेनलेस स्टील के चॉपिंग बोर्ड को धो सकते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, कम जगह लेता है, बट नॉर्मली एक तेज़ चाकू इस पर बहुत बार बार यूज़ करने से ब्लंट होने लगता है। तो अगर आप स्टेनलेस स्टील का चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हैं तो कंपेयर टू वुडन चॉपिंग बोर्ड आपको जो आपका नाइफ है उसकी शार्पनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, यानी आपको अपना नाइफ ज़्यादा जल्दी शार्प करना पड़ेगा। तो मैं क्या चीज़ यूज़ कर रही हूँ उसके हिसाब से अपने चॉपिंग बोर्ड्स चेंज करती हूँ। इसे धोने के बाद ऐसे ही आप अपने बर्तनों के रैक में भी छोड़ सकते हैं या फिर तुरंत आप इसे एक कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो इसे यूज़ करना, क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसे लाइक करें और होम एंड मचमोर को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।